Okay, Keshavanand ji, can start. Bulao Tri Mantra. Namo Vitragaya. Namo Vitragaya. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Savasahunam. Namo Loe Savasahunam. Aiso Panchana Mukkaro. Aiso Panchana Mukkaro. Savapavappanasano. Savapavappanasano. Mangalanam cha savvesim. Mangalanam cha savvesim. Padmam Havai Mangalam. Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Sabhi ko Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Bharat Bhai upasthit hue hain. वे आज एक और पद हमें सुनाएंगे, एक और अनुवाद होके आया है। मैं स्क्रीन पर रखता हूँ, एक मिनट। वे गाएंगे, भरत भाई रीडेबल। यस सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपूर्व स्वर श्रुति स्फुराण धारा फुटा फवारा पाताली झरना हजार हाथों से लुटाने वाले ना होगा खाली खजाना तेरा दादा लुटाए अमूल आगना खुला दरवाजा ना चौकी ताला असंग पद गंग झरना ये गर्भी अभेद निर्वाणी मोक्ष प्रवाह अपूर्व स्वर श्रुति स्फुराण धारा फुटा फवारा पाताली झरना लुटे आत्मार्थी स्वभावि दादा बरे है नवनित शक्ति लुटे आत्मार्थी स्वभावि भक्ति दादा है भरत नवनित शक्ति कृपा सुगोचर अगम्य युक्ति कमी के पहले करते है पूर्ति करते है पूर्ति समुद्र लूटे पले सरिता बहती है गंगा समतल धारा लूटे भेलारे स्वपर पड़गा जगत खोटी तार स्वतान पूरा अपूर्व स्वर श्रुति स्फुराण धारा फुटा फवारा पाताली झरना हवा है लुटती सुंद फूल की धरा लुटे साहेबी गगन की हवा है लुटती सुगंध फूल की धरा लुटे साहेबी गगन की मेघा है लुट समुद्र मन भर मोक्षार्थी लुट सत चंदन यगर चंदन यगर निरागी लुट ये निर्द्वेष बुझ ये खाली भरे वो मूल अन्न सारा देखे जाने मूल स्वज्ञात दृष्टा पूरण
कलन जग प्रयोग माला, स्वयं है चालक न कोई पालक, महाव्यवस्थित समय प्रमाणा, नगद लुटाए ये मोक्ष दानी, स्वधर्मी ठेका निर्वाणी गाना, नगद लुटाए ये मोक्ष दानी, स्वधर्मी ठेका निर्वाणी गाना, अपूर्व स्वर श्रुति पुराण धारा, फुटा फवारा पाताली झरना, हजार हाथों से लुटाने वाले, ना होगा खाली खजाना तेरा, हजार हाथों से लुटाने वाले, ना होगा खाली खजाना तेरा। जय सच्चिदानंद। गजब नो पाच्य। जय सच। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे। सत्संग की शुरुआत करते हैं। ज्ञानमल जी, सूर्या जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना जी। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि श्री मंदिर जग कल्याण की संज्ञा है, तो मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, आप समझाओ ना। त्रिमंदिर, त्रिमंदिर जो बेटा दादाजी ने क्या बताया कि जो हमारा त्रिमंदिर है ना, ये त्रिमंदिर जिसमें पहला जो मंदिर था, एक सिर्फ जैनों का एक मंत्र बनाया गया था, त्रिमंत्र, जिसको त्रिमंत्र बोलते हैं, फिर दादा ने त्रिमंदिर बनाया। तो उसमें क्या था, पहले सब एक ही था, फिर हमारे के समाज के लोगों ने, हर एक ने अपने अपने हिसाब से सब अलग कर दिया कि वैष्णव धर्म अलग, जैन धर्म अलग, शिव धर्म अलग। तो दादाजी एक ऐसे इस ब्रह्मांड में ऐसे हाजिर हुए जिन्होंने पूरे तीनों तीन जो अलग हो गए थे उसको एक साथ कर दिया। तो वो त्रिमंदिर साथ में बना दिया, जहां पर एक ही मंच के ऊपर हम सिमंदर स्वामी को भी प्रार्थना कर सकते हैं, जो उधर जैन धर्म है वो भी आ सकते हैं, वैष्णव धर्म वाले भी आ सकते हैं, शिव धर्म वाले भी आ सकते हैं, जो सब एक साथ कर दिया। वैसे भी जैसे त्रिमंदिर एक साथ जैसा रखा, और वैसे ही त्रि जो मंत्र थे वो भी अलग थे, उनको भी दादा ने साथ कर दिया। तो अभी ये साथ, पहले जो अलग अलग करते थे भगवान को पहुंचता नहीं था, तो उसका पूरा बरोबर फायदा नहीं होता था। तो अभी ये जब साथ में हम करके बोलेंगे, साथ में त्रिमंदिर में जाएंगे, साथ में त्रिमंत्र बोलेंगे, मैं उसमें बहुत लाभ होएगा, बहुत लाभ होएगा, और वो हमारे भगवान को पहुंचेगा भी। वो भगवान कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है, भगवान की भावना एक है, भगवान का सब कुछ एक ही है, पर हम अपने हिसाब से सब, कितने लोगों ने इनको अलग अलग कर दिया, फिर दादा भगवान ने उनको साथ में कर दिया। तो अभी साथ में करने से हमको बहुत लाभ होएगा। तो स्वामी जी, जग कल्याण की संज्ञा का मतलब क्या है? मतलब जग कल्याण, ये अभी अभी पहले तो क्या है, जगत का कल्याण अलग अलग नमूने से नहीं हो रहा था, अभी ये जो ऐसे जो तिरुमंदिर को साथ में किया, तो अभी जगत कल्याण का जबरदस्त कल्याण होगा, क्योंकि सब लोग एक ही जगह पे आएंगे, सबका एक ही धर्म होगा, एक ही ध्येय होगा, एक ही भगवान होगा, एक ही स्टेज पे सबका दर्शन होगा। तो ये जगत कल्याण का बहुत बड़ा दादा ने निमित्त बना दिया जी। समझ गए जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे भाई का भी एक प्रश्न है। हाँ हाँ बता। अरिष्ट बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं ये पूछना है कि चिड़न को दूर कैसे करें? किसको? चिड़न को। चिड़न, चिड़न, चिड़ते हैं ना? हाँ। अभी क्या है कि चिड़न सबसे बड़ी क्या बात है कि सबसे पहले चिड़न से क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। अगर चिड़न, चिड़ाई करने से या चिड़ने से
अपने को क्या फायदा होता है वो समझ में आना चाहिए कि भाई अगर आप किसी के साथ चिढ़ाई करते हो, चिढ़न करते हो, तो उसमें क्या आपको खुशी मिलती है, सबसे पहले ये सोचने का। अच्छा, अगर आपने वो चिढ़न किसी दूसरे को दी तो उसको वो दुख होता है, तो अगर वो भी देखने का। तो अगर अपने को पता चलता है कि चिढ़न करने से सामने वाले को भी दुख होता है और हमको खुद को भी दुख होता है, तो ये जो हमको दादा ने समझाया कि किसी भी जीव को दुख ना हो, तो ऐसा जब हम भाव को हाजिर करेंगे तो ऑटोमेटिक चिढ़न गायब हो जाएगी। हमको पहले समझ में आना चाहिए कि चिढ़न से फायदा क्या होता है। अगर अपने को ये बात समझ में आ गई कि चिढ़न से सामने वाले को भी दुख होता है और चिढ़न करने से अपने आप को भी दुख होता है, तो उसको हमने दादा की आज्ञा का पालन नहीं किया। दादा ने तो बताया कि अगर आप चिढ़ोगे किसी को तो उसको दुख तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, होगा। हाँ, अगर किसी को दुख होता है तो हम दादा ने हमको पहली बात सिखाई है कि क्या सिखाई है कि रोज सुबह को उठ के 5 बार हमको बोलने का कि हे दादा भगवान, मेरे मन वचन काया से, मेरे व्यवहार से, मेरे वर्तन से किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ऐसा हमको दादा ने सिखाया है। हम जब आपकी उम्र के था तब भी दादा हमको यही सिखाते थे। तो जैसे ही हम ये 5 बार बोलेंगे भगवान के सामने हाजिर नाजिर करके, तो हमारे अंदर जो भी वीकनेस है, ये चिड़न की वीकनेस है, क्रोध करने की जो बातें है, वो सब चली जाएगी, क्योंकि आपने दादा भगवान से शक्ति मांगी है। तो दादा से जैसे ही शक्ति मांगोगे तो दादा हाजिर हो जाएंगे, आपको ऐसी शक्ति देंगे। फिर उस समय जब चिड़न करने का जो संयोग आएगा, उस समय दादा भगवान हाजिर होके आपको ऐसी सूझ देंगे, समझ देंगे कि उसी समय आपकी चिड़न गायब हो जाएगी। पर आपको ऐसा निश्चय करना पड़ेगा, दादा से शक्ति मांगनी पड़ेगी, दादा ये मेरी वीकनेस है, मेरी निकाल के दो दादा। अगर हमको जैसे हमको भूख लगती है तो हम माँ को बोलते हैं ना कि मम्मी हमको खाना तो बहुत भूख लगी है, आप बोलते हैं ना कि नहीं बोलते है? तो ऐसे ही हमको दादा को प्रार्थना करने की, दादा जी मेरी ये जो वीकनेस है ना वो निकाल के दो, मेरे को बार बार चिड़न हो जाती है, मेरे को शक्ति दो, मेरे को आपकी ज्ञान की हाजिरी दो कि जिस समय मैं ऐसे जगह में आ जाऊं तो उस समय आप मेरे को आके संभालो, ऐसा प्रार्थना करने का। और जैसे ही आप प्रार्थना करोगे दादा हाजिर हो जाएंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नोनू आप तैयार हो? आपका सवाल तैयार है? मेरा सवाल हमेशा तैयार रहता है। धीमे धीमे, क्या बोला? मेरा सवाल हमेशा तैयार रहता है। आवाज नहीं, आपने सुना नहीं? नहीं समझ। नजदीक आके बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बता क्या बताया मेरा क्वेश्चन ये है कि सिमरन स्वामी की आरती करने से हमें नहीं आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, धीमे धीमे बोलो। सिमरन स्वामी जी की आरती करने से हमें क्या अब आ रही है? हाँ हाँ, सिमरन स्वामी की आरती करने से क्या बेनिफिट मिलता है? ओके एक मिनट बोलते केशवानंद जी, आपने सुना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ बेटा, अभी ये सिमंदर स्वामी जी की जो आरती है ना, उससे बहुत लाभ होता है। क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है, सुनाई देता है बेटा? सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जब अभी दादाजी ने हमको जो हमारे पे कृपा बरसाई, हमको ज्ञान दिया, हमको समझ दी और हमको सिमंदर स्वामी की पहचान दी, तो अभी सिमंदर स्वामी क्या है कि वो महाविद्यालय क्षेत्र में अभी हाजिर है। उनका जैसे आपका देह और मेरा देह जैसे आपको दिखाई देता है, ऐसे भगवान सिमंदर स्वामी वहां पर महाविद्यालय क्षेत्र में हाजिर हजूर बैठे है। तो अभी उनकी हम आरती करते हैं, उनकी हम आराधन करते हैं, क्योंकि हम से अभी हमारा जब मोक्ष में जाने का तैयारी होगा, तो दादाजी ने बताया है कि हम जो दादाजी की आज्ञा में रहेंगे तो एक दो अवतार में हम सीधा सिमंदर स्वामी के वहां पर जाने वाले हैं।
वो महाविद्या क्षेत्र में हम जाएंगे, वहां हमारा जन्म होगा। तो हम अभी से सिमंदर स्वामी की करते आरती करते हैं कि ताकि जब हम उधर जाए तो हमारा मन वचन काया सब ऐसी तैयारी हो जाए कि हमको उधर उधर एंट्री मिले। तो हम उनको पार्थी करने से हमारी पूरी तैयारी होती है और हमको महाविद्यालय क्षेत्र में वहां पर सिमंदर स्वामी के वहां पर हमको एंट्री मिलेगी। इसके लिए हम ये आरती करते ताकि हम उधर जाए और सिमंदर स्वामी का दर्शन करके फिर हम उधर से मोक्ष में जाए, ऐसा ये सब बेनिफिट होता है, इसके लिए हम ये आरती करते। समझ में आया अनुज? हाँ समझ में आया। हाँ आया। और कोई प्रश्न? मेरा दूसरा प्रश्न बोलिए। हम मुझे आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो? अभी आपकी उम्र क्या है बेटा? 10 साल। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी क्या है, जैसे दादा भगवान अभी साक्षात परमात्मा है, वो ही आत्म का ज्ञान देते हैं। उसकी जो समझ अगर हम अपने पास धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो हमको जैसे जैसे दादा की समझ आती जाएगी और दादा के ज्ञान के जो एक एक वाक्य को हम फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो आत्म का ज्ञान प्रकट होता जाएगा। तो जैसे दादा भगवान का एक एक चीज जो है, दादा भगवान ने जो जो बातें समझाई है, दादा ने बताया है कि हमारे मन वचन काय से किसी भी दुख ना हो, सुनाई देता है? नानू सुनते हो ना? सुन रहे हो ना? आवाज रिपीट ऊंची नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही ढंग से। हमें तो आ रही है उनकी आवाज। केवचावाने जी बोलिए। इधर नहीं आ पा रही। अच्छा चलो मैं फिर से बोलता हूँ कि ध्यान रखो अभी। हाँ अभी ध्यान से सुनो दादाजी को। अगर आत्मा का ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो दादाजी के कहे मुताबिक चलना पड़ेगा। दादाजी ने जो जो बातें समझाई है कि हमारे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो, सबसे पहले वो वर्तन शुरू करने का, फिर सब जीव मात्र के अंदर भगवान देखने का। आपके पास आपके घर में मम्मी डैडी है, बाहर के जितने भी लोग है उनके अंदर सबके अंदर शुद्धात्मा का भगवान का दर्शन करने का, अपने मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख ना हो ऐसा घर में व्यवहार करने का और एडजस्ट एवरीवेयर करने का। तो ये सब बातें जैसे आप करते जाओगे तो धीरे 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 आपके अंदर वो पूरा अंदर, जैसे हम कॉलेज स्कूल में जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, वैसे ही आपकी ऐसे तैयारी होती जाएगी। और जैसे ही आपकी ये तैयारी हो जाएगी वैसे ही आपको दादा का आत्म ज्ञान हाजिर हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी क्या है, दादाजी के कहने के मुताबिक चलने का, दादाजी जो जो बोलते हैं वैसा करने का, अपने को किसी को दुख नहीं देने का और सबके अंदर भगवान देखने का, मम्मी पापा के अंदर भगवान देखने का। आज आजू बाजू आप क्लास स्कूल में जाते हो तो सब बच्चों के अंदर भगवान देखने का। तो जैसे ही सबके अंदर आप भगवान देखोगे और आपके अंदर भी वही भगवान बैठा है तो जैसे भगवान का दर्शन करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान का कनेक्शन मिल जाएगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी बेटा। समझ गए नानू जी? नानू समझे? हाँ समझा। हाँ अभी दूसरों का प्रश्न ले कि आपका है कोई, सोच के रखो। हाँ नहीं अभी बाद। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। जय सच्चिदानंद। अमित जी। जय सच्चिदानंद। अमित जी, अमित जी, अमित जी। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न था स्वामी जी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 8 कर्मों से चलना है। चाबी हाँ सुने, एक मिनट फिर से बोलिए जरा। हाँ बताएं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 8 कर्मों से छूटना है और मोक्ष में जाना है।
तो दादाजी ने अभी हमको किस स्टेज पे पहुंचाया है? दादाजी ने तो हमको बहुत फाइनल स्टेज पे पहुंचा दिया है। अभी जो हम सुनते आ रहे थे वो तो अनंत जन्मों से ये करते ही आ रहे थे, अपने ये कर्मों से मुक्ति, ये इनसे मुक्ति, पर वो कभी सच्ची मुक्ति नहीं मिली, अपने कर्मों से किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं मिली। पर दादा भगवान ने जिस चीज पे बिठाया है वो सबसे फाइनल दशा में बिठाया है। आप इमेजिन करो कि दादाजी ने बोला था कि जो आदिनाथ भगवान ने भरत राजा को ज्ञान दिया था अक्रम ज्ञान, वही ज्ञान, फाइनल स्टेज वाला ज्ञान हमने आपको दिया है, दादा बोलते हैं। अभी वो कैसा ज्ञान है कि जिसको ज्ञान मिलने के बाद पूरे दादा भगवान, और वो कृपा का फल है, वो ऐसा करने से नहीं मिलता है कि ये हमने कर दिया तो मिल गया। ज्ञानी पुरुष क्या करते है, अपने कृपा से अनंत काल के पापों को भस्मीभूत कर देते है। नहीं तो ये अक्रम ज्ञान, ये जो आत्मा का ज्ञान तो अंदर घुस ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो वो कृपा करते हैं, कृपा करके अनंत काल के पापों को भस्मीभूत करते हैं, और उसके बाद वो अंदर कृपा से शुद्ध आत्मा का लक्ष्य बिठा के देते हैं, और फिर पांच आज्ञा रूपी प्रोटेक्शन दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि खाली अभी डिस्चार्ज क्रम में जो गलन होता रहता है उसको देखते रहने का, इतनी बड़ी स्टेज में हमको पहुंचा दिया है। नहीं तो ये ज्ञान मिलने के बाद अगर आपको एक क्षण के लिए भी सुबह से लेके रात को नींद में से भी हिला के उठावे ना, तो आपको अभी शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं जाता है। आपके हस्बैंड में, बच्चों में, घर में, कोई बाहर से आया, सबके अंदर आपको शुद्धात्मा दिखाई देता है। ऐसा लक्ष्य कोई बिठा नहीं सकता है, पर आप कितनी परिश्रम भी करके नहीं प्राप्त कर सकते हो। ये सहज एक प्रकाश जैसे अंदर दादा ने कर दिया, एक विज्ञान अंदर प्रकट करवा दिया, जो उनकी दृष्टि के फल से, उनकी कृपा के फल से ये अपने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हम हर पल समाधि में रह सकते हैं। हर पल पांच आज्ञा तो ऐसी है कि हर पल आपको समाधि में रख सकती है। किसी भी प्रकार का जो घर में कषाय हो जावे, कुछ भी गलती हो जावे, किसी का दोष दिखाई दे जाए, उसके लिए फिर दादा ने हर एक प्रकार का हथियार दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे करने से, प्रतिक्रमण करने से आप मुक्त हो सकते हो। मतलब मोक्ष में जाने के लिए दादा ने पूरी तैयारी करके हाथ में दे दी है। दादा बोलते है कि मोक्ष मैंने आपको हाथ में दे दिया है, अभी आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी आपका अंदर से निश्चय होना चाहिए, अभी आपका इतना पुरुषार्थ होना चाहिए कि जो मैंने आपको दिया है आप उसके पीछे फॉलो करके चल पड़ो। अभी कुछ सोचने के लिए या कुछ करने के लिए दादा ने रखा ही नहीं है, इतनी सहजता से और सरलता से सब कुछ चीज हमारे हाथ में दे दी है। सही है, बहुत अच्छी जागृति हो गई है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब प्रतिक्रमण तो इतना अच्छा लगता है ना, किसी के भी प्रति प्रतिक्रमण इतना सहज हो जाता है और इतना इंस्टेंट हो जाता है ना, कुछ दुख देते हैं तो बहुत जल्दी से हो जाता है, तो बहुत आनंद हो रहा है स्वामी जी। जबरदस्त जबरदस्त, आप जब सामने वाले को सुख देते हो, अगर सामने वाले को जाने अनजाने में किसी को दुख हो भी जाता है, और दुख देते समय दादा ने बोला कि अभी हमारे महात्माओं को ऐसी जागृति हो गई है, कितने महात्माओं को तो उनकी हाजिरी में बोलते थे कि एक तरफ से अतिक्रम हो रहा है, क्या बोलते थे, एक तरफ से ये अतिक्रम हो रहा है और उसको पता भी चल रहा है कि ये गलत हो रहा है, पर वो डिस्चार्ज में इतना भारी वो लेके आया है हिसाब, तो उसको दिखाई देता है कि अतिक्रमण हो रहा है, और साइड में उसका प्रतिक्रमण भी चालू हो जाता है कि इतनी महात्माओं की जागृति बढ़ गई है। ऐसा दादाजी हाजरी में बोलते थे कि अभी धीरे धीरे, क्योंकि सब महात्माओं ने अभी क्या किया है, पुरुषार्थ शुरू कर दिया है, उनको पता चल गया कि मेरा ध्येय नक्की हो गया है, अभी मुझे कहाँ जाना है, अभी मेरे को किस तरह से ये पूरा केवल ज्ञान की तरफ प्रगति करनी है, मोक्ष की तरफ प्रगति करनी है। क्योंकि दादा के फैमिली में आने के बाद, दादा के संपर्क में आने के बाद हर एक इंसान का एक तो ध्येय नक्की हो जाता है कि अभी मुझे मोक्ष जाने का है, अभी मेरे मन वचन का है से किसी को दुख नहीं देने का है, अभी जो भी मेरी फाइल आती है उसका मेरे को संभाव से निकाल करने का है, अभी मेरे को हर जगह पे एडजस्ट करने का है, मेरे मन वचन का से सबको सुख और शांति मिले, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को मैं अच्छी तरह से ड्यूटी करके सबको खुशी दूं, यही एक ध्येय है, ताकि मेरे को सबके साथ जैसे जैसे फाइल है उनके सब निकाल होता जाए, और मेरे को अभी
आगे चल के मुझे बहुत जन्म नहीं लेने हैं, मुझे सिर्फ मोक्ष में जाने का है, सिमंदर स्वामी के वहां पर जाने का है, तो हमारा ऐसा सोचने से ही, ऐसा विचार करने से ही हमारा हलन चलन व्यवहार सब बदल जाता है। आप मार्क करोगे, सोचने से ही खाली हमको मोक्ष में जाने का है, सिमंदर स्वामी के पास जाने का, ऐसा सोचने से ही हमारा चलन बदल जाता है। तो दादा ने हमको ये नई राह खोल के हमारे पे सबके ऊपर बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। जय सच्चिदानंद। चारवी जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि कल्प शक्ति क्या होती है जी? कल्प शक्ति, कल्प शक्ति, कल्प शक्ति अधिबाना जी बता रहे हैं ना कल्प शक्ति। ऐसा है कि आत्मा की एक शक्ति ऐसी है कि जैसा हम चिंतन करते हैं ना ऐसे हो जाते हैं। तो अभी ये चिंतन जब हम स्वाभाविक तरह से करते हैं तो वह आत्मा की स्वाभाविक शक्ति खुली होती है, और वही अगर हम उल्टा चिंतन करते हैं, जैसे उसे विकल्प बोलते हैं, जैसे हम स्वाभाविक गुणों की भजना करेंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आप जैसे बोलते हैं ना, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, तो उसे हम हमारी कल्प शक्ति का उपयोग करके, वैसे आत्मा तो अपने गुण वाला है ही, लेकिन हम जो जीव भाव से रहते हैं वो अज्ञानता से विकल्प करते हैं। विकल्प यानी जो हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, जैसे आत्मा लड़की होती है ना, आत्मा लड़की भी होती है, आत्मा लड़का भी होता है ना जी स्वामी। मम्मी को पूछो, पापा को पूछो, आत्मा लड़की होती है कभी? पुरुष होती है सर। हाँ, और वो भी मूल पुरुष, मूल पुरुष। ये जो पापा पुरुष है वो उनकी प्रकृति है, पुरुष वाली प्रकृति है, स्त्री वाली प्रकृति है, वो भगवान दोनों में है जो मूल पुरुष है। तो यह कल्प शक्ति जब हमें ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तब वो प्रकट होती है, और ऐसी वैसे वो होती है, लेकिन हमें उसका मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वही शक्ति विकल्प स्वरूप से काम करने पर हम सुखी दुखी होते हैं, और ज्ञानी पुरुष मिलने पर वह शक्ति स्वाभाविक तौर पर खुली होती है, जिसके कारण वो जो उसकी जो मूल कल्प शक्ति है वो खुली होने पर अब आप सही मायने में सही ढंग से आराधना करते हैं, जिसका फल मुक्ति है। ये जो भी प्रश्न पूछा था ना, आठ कर्मों से मुक्ति मिलती है, जो केशवानंद जी ने, स्वामी जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, ऐसा है। तो ये जो त्रिमंत्र है, नमस्कार विधि है, नव कलम है, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है, दादा भगवान आसीन जय जयकारो है, ये जब आप करेंगे तो उससे वो कल्प शक्ति को बढ़ावा मिलता है, बल मिलता है, और उसके परिणाम से आपकी ऐसी भूमिका तैयार होगी, ज्ञानी मिलेंगे, ये कल्प शक्ति प्रकट होगी और आप मुक्त हो जाएंगे। और तब तक ये जो प्रार्थनाएं करेंगे सत साधन, उसे आपको व्यवहार में, जीवन व्यवहार में भी अच्छी प्रोग्रेस होगी। समझ गए? हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? क्या बताया? हमें इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? ये जो हम सुबह में करते हैं ना, हर रोज करते हैं, जैसे स्नान करते हैं वगैरह, क्यों? क्योंकि हम हेल्दी रहना चाहते हैं। तो ये हमारी शुद्धात्मा की, अध्यात्म की हेल्थ ठीक रहे, हमें पांच आज्ञा पालन करने में सुविधा हो, मदद हो, इसके लिए ये प्रार्थना करनी है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नव कलम, शुद्धात्मा प्रार्थना, दादा वगैरह जय जयकारो। समझिए?
हाँ ये करना जरूरी है, क्यों? जैसे एंटीबायोटिक के साथ विटामिन देते हैं ना, पैरासिटामोल भी देते हैं, वैसे दादा ने आत्मज्ञान के साथ यह प्रार्थनाएं भी दी है कि जब तक क्योंकि हमारी प्रकृति ठीक नहीं है, अभी आज्ञा पालन करने में मदद रूप नहीं होती, सहायता नहीं करती, तो वो वैसे होती है, समझ गए? जी स्वामी जी। एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। ये दादा आरती में जब पहली आरती अपन बोलते हैं तो त्रिविध ताप टाले, तो त्रिविध ताप कौन से होते हैं? हाँ बराबर, केशवानंद जी बोलिए। हाँ अभी जो त्रिविध ताप, यानी हमारे पास सुबह से लेके शाम तक इतने तप आते हैं, तो अलग अलग प्रकार के तप आते हैं। कोई किसी ने ऊंची जबान से बात की, किसी ने बोल दिया कि पार वगैरह के तप आते, शारीरिक तप आते, बाहर के तप आते, अंतस्करण में तप आते हैं, तो वो हर एक प्रकार के तप को टालती है पहली आरती। मतलब वो दादाजी को हम ऐसे शक्ति मांगते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर कोई तप करने का मौका आ गया, कभी बाहर से किसी ने बोल दिया कि आपको अक्ल नहीं है, तो वो तप आ गया। मतलब हर एक प्रकार के तप जो संसार में आते हैं, हर एक प्रकार के तप को दादा भगवान की कृपा से, वो तप की ज्ञान की जागृति से सब तप टल जाते हैं। मतलब दादा की आरती हम इसीलिए करते हैं कि दादा के हर एक आरती के उसमें एक है कि हमको उनकी भक्ति करने से, आरती करने से जो हमारे में जो शक्ति खुटती है, वो शक्ति सब बढ़ती जाती है। और ऐसे जब तप करने का जब संजोग आता है, उस समय अंदर अंतस्करण हिलता नहीं है, जागृति रहती है, और उस समय हमारा अंतस्करण में किसी के लिए अभाव तिरस्कार नहीं हो जाता है, कोई गलत बात बोल देता है, क्योंकि जैसे कोई भी कुछ शब्द बोलेगा तो एक तप हो जाता है। क्योंकि तप क्यों होता है? क्योंकि अंतस्करण में अंदर बढ़तरा होती है, जलन होती है कि मेरे को ऐसा बोला, मेरे को इस तरह से बात किया, मेरे से बात करने की उसको तमीज नहीं है। पर अंदर से जब ये बुमा बूम होती है ना, उस समय दादाजी बोलते हैं तप आ गया। और उस समय आप वो तप आया, उस समय आप उसको निर्दोष देखो और उसके अंदर बैठे हुए भगवान को देखो। उस समय ये विचार करो कि ये मेरे को आज तप आया, ये मेरे को अभी ये तप को मैंने घर बैठे आ गया है। महावीर स्वामी को तो तप भोगने के लिए कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, हमको तो घर बैठे तप आ गया। कभी वाइफ ने कुछ गुस्से से बोल दिया, कभी भाई ने कुछ खुशी से बोल दिया, तो हमारे को तप आ गया। तो ऐसे कितने प्रकार के तप है, वो सब तप हमारे टल जाते दादा की भक्ति करने से, दादा के ज्ञान को हाजिर करने से, दादाजी की समझ को पकड़ में आने से हर एक प्रकार के त्रिविध ताप टल जाते हैं। जी सर। और अदित तप में उसमें क्या डिफरेंस हो गया सर? अदित तप जो मतलब आपको जो तप हो जो दिखाई नहीं दे, जैसे ज्ञानी पुरुष का कैसा होता था, अदित तप दिखाई नहीं दे। दादा भगवान जब हाजिर थे तो कितनी बार, एक बार ऐसा कोई भक्त आ गया दादा से आर्गुमेंट में आ गया कि आप अपने आप को भगवान क्यों बुलाते हो, आप क्या होते हो। अभी वो दादा की इतनी करुणा थी कि उसको समझावे, वो एक घंटे तक दादा उसको समझा रहे थे, तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तब दादा के पास बहुत अधिक तप जैसा लगता था कि कैसा तप है कि मेरे को, मैं इतना समझाता हूँ, वो भगवान साक्षात हाजिर हुए हैं तो भी ये समझता नहीं है। तो दादा उस तप को देख के, किसी को पता नहीं चले कि वो दादा तप को देख के उसको निकाल कर देते थे। शारीरिक कोई पीड़ा आ गई तो आपको अंदर से पता भी नहीं चलेगा कि दादा को अंदर इतनी तकलीफ है। अधि तप मतलब कुछ दिखाई नहीं दे, अंदर से वो तप करा करे। किसी ने किसी को बोल दिया अंदर से, तो आपको उसी समय आपके चेहरे पे कुछ चेंजेस नहीं आवे, और आप उसके अंदर खाने, उसके अंदर उसका समाधान करके, उसकी विधि करके, उससे माफी लेके उस संजोग को आप टाल दो और उसके अंदर उसको निर्दोष देख लो, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अदित तप उसने किया। किसी को दिखाई नहीं दे उसको अदित तप बोलते हैं। तप तो है, आपके चेहरे पे भी कोई निखार नहीं आना चाहिए, चेहरे पे कोई रेशा बदलना नहीं चाहिए, और उस समय आपको अंदर लगे कि आज तो तप आया है, आज उसको देख के पूरा कर डालो। बाहर से हंसता रहे और अंदर से तप उसको चलता रहे, इसको अदित तप बोलते है। दिखाई नहीं दे पूरा तप। जय 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 सच्चिदानंद। किसी ने हाथ ही उठाना या नहीं? अरे बंसल जी, मिसेस बंसल, एक मिनट। हाँ
बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मुझे शंका शंका के बारे में समझना है, उसको विस्तार से बताइए थोड़ा। इसके बारे में शंका कुशंका, चरण विधि में है ना शंका कुशंका। ये तो दादा बोलते कि शंका कुशंका करना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के ऊपर शंका करना दादा बोलते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि शंका जिसके ऊपर करनी चाहिए वहां पर की नहीं, शंका खुद के ऊपर होनी चाहिए कि भाई मैं कौन हूं, उसकी पहचान नहीं की और दूसरों के ऊपर शंका की। सबसे बड़ी शंका तो खुद पे होनी चाहिए सबसे पहले दादा बोलते हैं, पर हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर शंका देखते हैं। कोई इधर से कोई चीज लेके गया, एक बार आपने उसको देखा, एक आपके घर में कोई व्यक्ति काम करती है, कोई भाई काम करती है, तो आपने एक बार उसको देख लिया कि उसने कुछ उधर से चीज उठाई या फ्रिज में से कुछ लेके खाया या इधर से 5 रुपया पड़ा था लिया, तो उसके ऊपर उसका कोई संजोग होएगा, कौन सी कोई बात होएगी जिसकी वजह से उसने ये काम किया। तो मन का स्वभाव क्या है कि जब दूसरे दिन वो घर पे आएगी तो उसके ऊपर बार बार उसको ऐसा शंका होता रहेगा कि भाई अरे ये अभी फिर से चोरी करेगी, अभी ये ऐसा करेगी, ये वैसा करेगी। दादा बोलते हैं कि वो उसका संजोग कल का था, पर आज उसका कोई वो संजोग चोरी करने का विचार नहीं है, पर आप उसके ऊपर शंका करते हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह बोलते थे दादा, क्योंकि अभी उसकी अंदर परिणति बदल गई है, अभी उसके कोई विचार भी नहीं आता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने उसने रियलाइज किया हो कि भाई ये मैंने चोरी की, वो बहुत गलत काम की, उसने पश्चाताप भी किया हो, उसने भगवान से माफी भी मांग ली हो। पर हमारा मुंडी का स्वभाव, हमारा स्वभाव क्या है कि एक बार कोई भी चीज हम देखते हैं तो उसके ऊपर दिन रात शंका करते रहते। तो शंका को कैसे मतलब खत्म करें, अगर उसने कुछ किया है तो उससे माफी मांगे, बताइए कुशंका कुशंका के बारे में। तो उसका क्या है कि अगर उसने शंका ऐसा कुछ किया है तो उसको क्या है, हमारे अंतस्करण को, हमारे हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं उसके हाजिर नाजिर करके सबसे पहले तो उसके अंदर बैठे भगवान से माफी मांगने की, हे भगवान मुझे पता नहीं है कि क्यों किस कारण से आपने ये किया। और अगर आपने उसके सामने देखा तो व्यवहार में उसको बोलना चाहिए कि बेटा अगर आपने ये कुछ उठाया है या कुछ किया है तो नेक्स्ट टाइम आपको अगर जरूर हो तो मेरे से पूछ के ले लेना, ऐसा करके पूछने से अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसा करके पहले तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने उसको देखा है और आपने उसको समझा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा नहीं करना, कुछ भी हो तो मेरे से मांग के ले लेना। फिर उसके बाद उधर से शंका उधर से बंद कर देनी चाहिए, कुशंका होनी नहीं चाहिए कि अभी ऐसा करेगी तो वैसा करेगी, तो वो अपने अंदर से उसको निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि अभी उसके अंतस्करण में अभी क्या चेंजेस हो गया, उसके अंदर अभी क्या भाव हो रहा है, उसने पश्चाताप भी कर लिया हो, तो वो हमको उधर से पिक्चर। और हमारा जब तक कोई हिसाब नहीं होएगा तब तक कोई हमारे वहां से कोई चीज उठा के भी नहीं जाएगा। जब तक हमारा हिसाब है तब तक वो कोई उधर से वो चीज उठाता है या कोई गलत काम करता है, पर वो अगर हमारा हिसाब पूरा हो गया तो कोई कोई चीज उठाने वाला ही नहीं है। इसलिए दादाजी क्या बोलते हैं कि दूसरे दिन हम तो किसी के ऊपर शंका करें भी नहीं, ऐसा दादा ने खुद बताया है, क्योंकि एक बार वो किसी संजोग के साथ वो ऐसा कर लेता है तो उसको अपने को संजोग पूरा हो गया, दूसरी बार दूसरे दिन फिर दूसरे दिन से उसके ऊपर शंका होनी भी नहीं चाहिए। और कुशंका स्वामी जी, कुशंका भी ऐसी है, कुशंका मतलब क्या है, शंका का दूसरा शब्द है कुशंका, मतलब कुछ गलत करता हो या कुछ कैसे भी करता हो तो उसके मन में ऐसा भाव है कि शायद ये करेगा तो वो करेगा, तो मतलब शंका कुशंका एक शब्द दिया है कि भाई ये दोनों एक ही तरह की ये चीज है जो एक दूसरे के साथ लागू पड़ती है, एक दूसरे के साथ टच में आती है कि शंका कुशंका, मतलब कुशंका भी करते शंका भी करते है कि ये करेगा ये नहीं करेगा, इसे अंदर शंका कुशंका चलती रहती है, उसका ऐसा शब्द दिया गया। जी स्वामी, स्वामी जी एक प्रश्न और है। हाँ। कि हम अपने अंदर सहजता नहीं रख पाते, कोई भी कार्य करते हैं कुछ भी करते हैं बहुत हड़बड़ी बहुत परेशान ये सब हो जाते हैं, तो वो सहजता हम कैसे रखें उसका? हाँ। कोई सहजता अपने को क्या करना चाहिए कि हमको हमारे ये जो मन वचन काया है ना उसके ऊपर दिन रात फोकस रखना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमारे खुद के ऊपर अगर हम फाइल नंबर 1 के ऊपर अगर हम क्या करते हैं दिन रात,
दूसरों की फाइलों की तरफ, फाइल नंबर 2, 3, 4, 5 पे हम हमेशा नजर रखते हैं, पर खुद के ऊपर कुछ भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। खुद के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर कुछ जानकारी नहीं रहते, उसके ऊपर हमेशा हमारी आंखें बंद रहती है, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है दिन रात बाहर देखने का, खुद की तरफ देखने का तो है ही नहीं। तो ये सब चीजें खुद की तरफ कब देखने का शुरू होएगा, जब हम सबसे पहले खुद से बातचीत का व्यवहार शुरू करेंगे, खुद के साथ बातचीत का व्यवहार करेंगे कि तुम असहज हो रहे हो तो फिर बताने का कि तुमको असहज होने से क्या लाभ हुआ, ऐसा खुद से बातचीत करने का। और फिर ये लाभ नहीं हुआ तो तुम जल्दी आराम से भी कर सकते थे तो जल्दी करने की क्या जरूरत थी। तो ऐसा जैसे ही तुम बात करना शुरू करोगे तो धीरे 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 आप सहज होते जाओगे। ये सबसे बड़ी है, सबसे पहले खुद से बातचीत का व्यवहार शुरू करो। फिर दूसरी बात कि अपने आप को हर पल देखने का कि ज्ञानी पुरुष, दूसरे लोग जो बड़े महात्मा है, जो दादा ने हमको महात्मा का इतना बड़ा दर्जा दिया है, तो उनको बोलने का कि हमको सहजता रहने से सहज, जैसे माता जी की भक्ति करने की, तो ये अम्बे माता का भक्ति करने से प्रकृति सहज होती है। दादा ने बोला कि भाई अगर आपको प्रकृति सहज करनी है ना तो माता जी की भक्ति करना, अम्बे माता की भक्ति करना, तो पूरे धीरे 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 आपकी प्रकृति इतनी सहज हो जाएगी कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे ये कैसे हो गया। और दो बातें हैं, एक तो ज्ञानी पुरुष के कहे मुताबिक चलने का, और फिर दूसरा अपने आप को फोकस करके समझाने का कि भाई असहज होने से क्या लाभ होता है, असहज होने से ये तकलीफ होती है, असहज होने से हम खुद का प्रयोग भूल जाते हैं, उपयोग छूट जाता है और पूरा चित्त उस काम में हड़बड़ी में चला जाता है, हमारा कितना बड़ा उपयोग का नुकसान होता है, हमारे को उपयोग भी नहीं रहता है। तो ऐसे अपने आप से बातचीत करेंगे तो उससे भी लाभ होएगा और दूसरा भक्ति से लाभ होएगा, दादाजी की भक्ति, अम्बे माता की भक्ति, जितनी भक्ति करोगे पूरी प्रकृति सहज हो जाएगी। एक बात और है स्वामी जी, कविराज ने भक्ति गाया है कि माता जी की भक्ति करता स्त्री परमाणु सुंदर छाए, सहजता आवे, बहुत सरस पद गाया दादा जी। और एक बात और है स्वामी जी, जैसे आप ये हमें समझाते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं वो अभी तो समझ में आ जाता है और ठीक से समझ में आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो ठहर नहीं पाता, तो उसका कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे कि हमेशा वो चीज मेरे अंदर में रहे। हाँ सही बात है, धीरे धीरे क्या है यो, वो फिर से वही बात आती है कि अपने आप को थोड़ा समझाने का कि हमारा क्या है कि हमारे को इसकी वैल्यू दिखाती नहीं है। जिस दिन दादा बोलते हैं कि इस बात की वैल्यू समझ में आ जाएगी आपको कि ज्ञानी पुरुष यानी क्या, भगवान यानी क्या, मोक्ष यानी क्या, उसके ऊपर आपको एक बार वैल्यू समझ में आ जाएगी ना, तो आप इसी चीज को भूलेंगे भी नहीं, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। पर फिर क्या है, मन का स्वभाव क्या है कि माया तो आखा दिन बाहर बैठी हुई है और वो थोड़ा ही टाइम पूरा हो जाता है फिर संसार की बातें में आ जाएंगे और फिर सब भूल जाते हैं, फिर उसमें अपना पूरा उपयोग चला जाता है। तो दादा क्या बोलते हैं कि इसके लिए अगर अपने को जागृत रखने का है तो हमको पूरा दिन का ग्राफ बनाने का कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं, रात को सोते समय हमको खास बैठने का उपयोग करने का, मैं आज पूरे दिन में कहां कहां पर मेरा उपयोग छूट गया, आज मैंने दिन में कौन सी गलत बातें की, आज मैंने कितने गलत बात किया उसके प्रतिक्रमण किए कि नहीं किए। अगर मेरे अंदर जो ये सब लोग भूत बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष, ये भूत सब खाली हुए कि नहीं हुए, तो उनको रात को बैठ के उसको सामायिक में बैठ के एक एक गांठ को देखने का, तो अपने आप को कुछ काम देने का, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए कुछ ना कुछ काम देने का। तो धीरे 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 जो मन जो बाहर की चीजों में पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगा, और जैसे ही अंदर की तरफ आएगा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे ही जैसे आपको सुख बढ़ेगा तो आप बाहर की चीजें भूलते जाओगे जी। ये तो क्या है कि बाहर की चीजों में, बाहर की बातों में हमको सुख का अनुभव होता है इसलिए इसका वैल्यू नहीं होता है जी। जैसे ही इसमें इस बातों में से आत्मा से सुख लेने का शुरुआत हो जाएगा, हम इस आत्मा की बातों में से अपने को सुख मिलना शुरू हो जाएगा, आपको सिमंदर स्वामी महावदेव क्षेत्र में जाने की भावना हो जाएगी, तो आप इस चीज को छोड़ोगे ही नहीं जी। इस चीज को आपको भूलेगे ही नहीं जी। दादा को, दादा का निधि ध्यासन नहीं भूलोगे, दादा की कोई बात नहीं भूलोगे, आखा दिन आपका माइंड उसमें ही चलेगा कि मैं मेरा मन वचन काया को कैसे प्योर करूं,
कैसे अंदर दादा की तरह मैं हो जाऊं ताकि मुझे अभी ये संसार की साइकिल में से बाहर निकल जाना है, मुझे ये बार बार जन्म नहीं लेना है, मुझे ये संसार की बातों से निकल जाना है, साइकिल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए हे दादा भगवान मुझे जो कुछ करने में आएगा मेरे को इस तरफ ही मेरा चित्त की हाजिरी करो, इस तरफ ही मेरे को भक्ति दो, दादा की भक्ति को बढ़ा दो, तो धीरे 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 क्या है ये संसार छूटता जाएगा। बाकी संसार छूटे ऐसा ईजी नहीं है जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत अच्छे समझाया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? सब मौन धारण करके बैठ गए। रमेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी बोल रहे हैं। सुरेश जी कहाँ है? सुरेश जी खा रहे, सुरेश उंगली उठा रहे हैं। वो उंगली तो भी दिखाई देनी चाहिए ना उनकी। वो कब से उंगली उठा रहे हैं सुरेश भाई? सुरेश जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। मदुरई वाले सुरेश जी खारे खारे खरे खरे हाँ। एक मिनट, सुरेश जी अनम्यूट करिए। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद सुरेश भाई। क्या एक मेरा प्रश्न था, आपने ये मोह का बताया ना सर। हाँ हाँ, तो मोह तो साहब हम तो ये डिस्चार्ज है हमारा। हाँ, मोह माया में जो हम लोग लेकर के आए हैं ये जीवन में। हाँ, तो ये तो डिस्चार्ज है। हाँ, तो ये तो मोह तो लगा ही रहेगा और हम उसको देखते रहते हैं मोह कितना है हमारे पास में। हाँ, तो धीरे 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 उम्र के हिसाब से जाएगा सर। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मोह तो लगा ही रहता है सर। आज ये कंपनी में जाना है, कल वो कंपनी में जाना है, कल इसको समझाने जाना है, कल वहाँ वो काम करने जाना है। जानते हुए भी हम लोग नहीं जाना चाहते हैं पर भी चले जाते हैं। सही बात है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कैसे? हाँ, अभी इसके लिए दादा ने सबसे पहले बहुत बड़ी इक्वेशन बताई है कि सबसे पहले आपको कहीं भी जाना पड़ता है, कहीं कंपनी में जाना पड़ता है, अलग अलग फैक्ट्री में जाना पड़ता है, तो सबसे पहला ज्ञान क्या हाजिर होना चाहिए कि कौन जा रहा है वहां पर, कंपनी में बाहर घूमने कहीं भी जो जा रहा है वहां पर कौन जा रहा है। तो सबसे पहला जवाब है कि भाई ये सुरेश जा रहा है जिसने गए भव में इतनी सब साइने की थी और इसके लिए उसको इस जगह पे जाना पड़ता है। और खुद जब वो जाता है तो खुद कौन है? तो मैं शुद्धात्मा हूं। सबसे पहले जब आप उस लक्ष्य में रहे, उस ज्ञान में हाजिर में रहे, तो वहां से आपका पहला पहला स्टेप आगे सक्सेस का शुरू हो गया कि आप फाइल नंबर एक को इंस्ट्रक्शन देते हो, चलो सुरेश भाई उठो, अभी आपका ये ड्यूटी का टाइम है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दादा भगवान के पास सुबह को 6 बजे से लेके लाइन लग जाती थी लोगों की, महात्माओं की। फिर वो उसमें कौन कौन आते थे? आईपीसीएल के बड़े बड़े ऑफिसर, रिलायंस के ऑफिसर, बड़ी बड़ी कम एलएमबी के उसके ऑफिसर, हर एक कंपनी के ऑफिसर, कमिश्नर, सब लोग आते थे सुबह को 6 बजे। तो उस समय सब दादा भगवान के पास आके वो विधि करते थे, दादा सबकी विधि करते थे। विधि करने के बाद फिर सब ज्ञानी पुरुष के सब आगे जब बैठे हो तो सब लोगों के पास ज्ञानी पुरुष का इतना अट्रैक्शन रहता था कि मैं इधर से उठू ही नहीं। तो दादाजी क्या करते थे, जैसे ही विधि करते थे सबको बोलते चलो निकलो ऑफिस के लिए तैयार, जाओ तुम्हारी बस घड़ी होगी, निकलो। सीधा दादा इंस्ट्रक्शन देते थे,
उनको ऐसा होता था कि दादा इधर आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं ये आपका ये जो रूम छोड़ के जाऊं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर वापस जाऊं ही नहीं दादा, इतना मुझे संसार से इतना वो हो गया है, पर आप वो फाइल का संभाव से निकाल करने की बात करते हो ना इसलिए उठ के जाना पड़ता है। तो दादा ने उनको समझाया कि ये फाइल जाती है, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम ऑफिस में जाते हो तो पूरा दिन दादा का निधि ध्यान कर सकते हो, अपने आप से बातचीत का व्यवहार शुरू करो कि सुरेश भाई आप अभी ऑफिस में काम पे लग जाओ, पर सबसे पहले छुतापना की जागृति रखने की कि भाई सुरेश भाई काम करता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य करके काम पे लग जाओ, और फिर जैसे ही वो काम पूरा हो जाए फिर शुद्ध आत्मा की गुफा में चले जाने का, एक मिनट की भी राह नहीं देखने की, क्योंकि जो भी काम अपने हाथ में आया है वो कुदरत ने हमको भेजा है और हमने खुद की साइने की हुई है कि मुझे इतना काम करना पड़ेगा, मैं ये फैक्ट्री में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, अभी इसको हमको देखने का है, डिस्चार्ज में ये आता है उसको हमको देखने का है। तो डिस्चार्ज में अगर आपने उसको देखा तो आप उससे छुटा रहोगे ना, आपको मोह होगा, कुछ भी नहीं होगा, पर उस समय आप इन्वॉल्व हो गए, आप भूल गए कि सुरेश भाई काम करता है, मेरे जैसा कोई काम करता नहीं है, तो फिर वो उधर आपकी फिर से वहां पर उतना डिले हो जाता है आपकी, फिर आपका पूरा उस टाइम के लिए आप इतना ज्ञान में से बाहर चले जाते हो। इसलिए दादा ने बोला ना कि भाई हो सकता है कि आप एक अवतार में आपकी जागृति और पुरुषार्थ जबरदस्त हो तो आप एक दो अवतार में मोक्ष जा सकते हो, और अगर उस समय ऐसा बार बार भूल जाते हो तो ऐसा करते करते आज्ञा चुक जाते हो तो ऐसा करते 5 अवतार में चले जाओगे। तो ये तो आपकी तैयारी चाहिए ना कि आपको कितने अवतार में मोक्ष में जाने का है। तो जितनी आप जागृति रखोगे, जितना आप पूरा दिन अपने आप को उपयोग में रखोगे, जितना आप पूरा दिन अपने आप को ज्ञान में रखोगे, उतना आपको कोई भी चीज डिस्चार्ज के समय आपको अड़ेगी नहीं, आप उनसे अलुप्त रहोगे, अलग रहोगे, आपको हर पल समाधि रहेगी। ख्याल आ गया? ठीक ठीक सुरेश जी। नोनू राम रामेश्वर जी स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि तप क्या होता है? क्या बताया? तप क्या होता है? सच तप समझ में नहीं आया, क्या बताया आपने स्वामी जी? मैं बोला तप क्या होता है? तप क्या होता है? अच्छा बताए। अच्छा अभी तप क्या होता है कि जैसे आपको अभी तबीयत ठीक नहीं हो, या कभी आपको किसी फ्रेंड ने आपको घर पे नहीं बुलाया कि भाई अभी सपोज किसी आपके फ्रेंड का बर्थडे है, बरोबर, तो उसने मे बी आप भूल गया हो या उसने जानबूझ के नहीं बुलाया हो, तो सब लड़कों को बुलाया हो पर आपको नहीं बुलाया हो, तो आपको पता चले कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया नहीं, और उस समय अंदर बहुत दुख हो आपको कि मेरे को ही क्यों नहीं बुलाया, पूरे क्लास को सबको बुलाया बर्थडे पे पर मुझे ही क्यों ही नहीं बुलाया, तो उस समय जब आपको दुख होता है, हाँ, उस दुख को आपको असर नहीं होने दो, और आप ऐसा सोचो कि किसी भी कारण से वो भूल गया होगा या उसके दिमाग में से निकल गया होगा इसलिए मुझे बर्थडे पे नहीं बुलाया, तो उस समय आप अपने आप को पॉजिटिव बना दो और आपको बिल्कुल दुख नहीं हो, और उस समय आप उसको अपनी समझ से, अपने आप को पूरी समझ से अपने आप को पॉजिटिव में लेके आओ नेगेटिव में से, तो उसको तब बोला जाता है कि आपको बात अच्छी नहीं लगी, आपको दुख हुआ, पर ऐसे संजोग में भी आपने उसको पॉजिटिव, आपने उसको दिमाग में क्या लाया कि आज सोनू का तब का दिन है, भले उसने नहीं बुलाया कोई वादा नहीं, मैं उनसे पूछ लूंगा, प्यार से बात कर लूंगा कि क्यों मुझे नहीं बुलाया, पर अपने आप को भी दुख होने नहीं देने का और सामने वाले को भी कुछ भी दुख वापस नहीं देने का, और उस संजोग को शांति से निपटा देने का तब बोला जाता है। ख्याल आ गया बेटा? हाँ।
ऐसा हर एक संजोग में सोचने का। अगर आपको आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता हो और मम्मी बोले नहीं आज तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, आज तुमको बैठना ही पड़ेगा, बोलने का अभी तप आया तो बैठ जाओ क्योंकि आपको मन भी नहीं लगता है, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर आप ऐसे संजोग में ऐसे दिन रात कई तप आते हैं। कोई बोल दे कि सोनू को अक्कल नहीं है, सोनू को बिल्कुल एकदम गलत लड़का है, तो उस समय भी बोलने का चो मैं ऐसा हूं तो नहीं, पर तप आया है तो उसको सोच समझ के उसको अपने आप को निपटा के पॉजिटिव करके निपटा डालने का उस संजोग को, उसको तप बोलते हैं। ऐसे दिन में दिन रात तप आते रहते हैं, पर हर एक संजोग में अपने आप को उसको पॉजिटिव करने का और असर नहीं होने देने का, अपने आप को दुख नहीं लगाने का और समझने का कि उसको मुझे पॉजिटिव से उसको निकाल करने का है और जो भी संजोग आया है तब का उसको मुझे निकाल कर देने का है, पॉजिटिव कर देने का, उसको तब बोला जाता है। दोनों समझ गए? आया समझ में आया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और एक सवाल पूछ सकते हैं, कौन भाग्यशाली है? टाइम है अभी थोड़ा हमारे पास, बोलिए। ओके आरव जी बोलिए। स्वामी जी, जब मैं दादा भगवान की बुक पढ़ता हूँ तो मतलब कि कुछ भी मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन वही बात जब आप मेरे को समझाते हो तो मेरे को एकदम अच्छे से समझ आ जाती है, तो वो बुक में समझ क्यों नहीं आ पाती? हाँ, अभी क्या है कि अभी दादाजी की कोई कोई बात कैसी होती है कि वो वैसे भी दादाजी क्या बोलते थे कि ये ज्ञान समझने के लिए, ये तो आपको बहुत बड़ी दादाजी की कृपा है कि इतनी छोटी एज में आपको सब समझ में आता है, बरोबर, नहीं तो ये ज्ञान समझने के लिए दादा कम से कम पहले 18 साल का बच्चा होता था ना, जैसे हम सब 18 साल के हुए ना तभी हमको दादा ज्ञान देते थे, तो दादा क्या बोलते थे कि जैसे ये समझ में आएगा, जैसे उम्र होगी तो आपका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होगा कि दादा की हर एक बात आप धीरे धीरे समझ जाओगे, पर ये तो दादा की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि सब आप समझ में आ जाते हो, पर जब पढ़ती वक्त है, अभी आपको एक दूसरा मैं रहस्य बताता हूं कि जब भी आप ये खोल के पढ़ो किताब खोल के, तो दादाजी से पहले प्रार्थना करने का कि हे दादा भगवान, मैं ये आपकी आप्तवाणी या मैं ये आपका बुक पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसी सूझ देना, मेरे को ऐसी शक्ति देना, मेरे पे ऐसी कृपा करना कि आप इसमें जो एक एक शब्द लिखा है वो मेरे को समझ में आए, ऐसा पहले हमेशा कुछ भी पढ़ने से भगवान से प्रार्थना करने का। तो प्रार्थना करने से क्या होगा, और उस समय दादा भगवान को प्रार्थना करने से क्या होगा, दादा भगवान हाजिर हो जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे वो हर एक बात समझ में आएगी, और दादा को प्रार्थना करने का, हे दादा भगवान आपने जो ज्ञान दिया है, जो आपने इस बुक में लिखा है, वो ज्ञान में खुद समझूं और पढ़ूं और मनन करूं, ऐसा मेरे पे कृपा बरसाओ, ऐसा मेरे पे दादा भगवान आशीर्वाद भेजो, तो वो जैसे ऐसा प्रार्थना करने के बाद फिर किताब शुरू करने का, तो आपको देखना कि इसका मिरेकल दिखाई देगा, क्योंकि दादा की आज्ञा लेने का, क्योंकि हमको हम अपनी समझ से समझने जाएंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम भी आज की तारीख में भी दादा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे दादा भगवान आपका जो विज्ञान है जैसा है वो एक एक शब्द में समझूं, खुद वर्तन में लाऊं और वर्तन में लाके उसको मनन करूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसा हम भी रोज शक्ति मांगते, उसके बाद हम कुछ दादा का किताब पढ़ते, तो आप ऐसा प्रार्थना करके देखना तो आपको बहुत लाभ होगा। तो स्वामी जी जब आप समझाते तब तो वो शक्ति नहीं मांगते है, तो बुक पढ़ने में शक्ति क्यों मांगनी पड़ती है? आप समझाते तब तो समझ आ जाता है। वो तो ज्ञानी पुरुष की भगवान की वाणी है, वो 10 लाख बरस के बाद पहली बार प्रकट हुई है, अभी उसकी वाणी ऐसी है कि उसको समझने के लिए तो थोड़ा प्रेम चाहिए, दादा के लिए भक्ति चाहिए, दादा के लिए आराधना चाहिए,
बरोबर। हम तो क्या है दादा की छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो है वो बच्चों जैसे एग्जाम्पल्स बना बना के समझाते हैं। वो दादा ऐसा कहना चाहते हैं, दादा का भावार्थ ऐसा है। हम भी दादा की बुक पढ़ते हैं तो कितनी बार हमको ही नहीं समझ में आता है, फिर हम दादा को प्रार्थना करते हैं कि दादा भगवान आपका एक एक शब्द हमको समझ में आए, ऐसी हमारे को, क्योंकि हमारी इतनी डेवलपमेंट नहीं है ना, हमने अपने साथ इतना अपनी डेवलपमेंट लेके नहीं आए जो हम ज्ञानी पुरुष को समझ सके उनकी एक एक बात को। आप खुद की बात करते हो, हम आज तक हम दादा से प्रार्थना करते कि दादा भगवान ये मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरे को समझाओ। मैं एक बार आपकी उम्र का था, थोड़ा बड़ा था, तो मैंने दादाजी से एक प्रश्न पूछा तो दादाजी ने क्या बोला कि भाई अभी तेरे को नहीं समझ में आता ना उसकी चिंता मत करो, पर जो चीज समझ में आता है उसको फॉलो करो। मेरे को दादा भगवान ने ऐसा बोला। मैंने दादा से पूछा कि दादा मुझे ये समझ में क्यों नहीं आता है, ये टंकोत्कीर्णवत क्या होता है, ये आत्मा अनात्मा क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता था। तो दादाजी बोलते कि तेरे को बहुत मन होता है पढ़ने का तो पढ़ते रहे, पर पढ़ने का पर मन में कुछ ऐसा विचार नहीं करने का कि मेरे को समझ में क्यों नहीं आता है, दादा को प्रार्थना करने का। फिर दादा ने क्या बोला कि जब तेरा टाइम आएगा और तेरा सब आवरण टूटे जाएंगे, तेरी समझ की डेवलपमेंट हो जाएगी, तेरे को हर एक बात समझ में आ जाएगी जी। तो जो पहले बातें हमको नहीं समझ में आती थी जब दादा के टाइम में हम पूछते थे, तो अभी अभी क्या हो गया कि अभी जो हम दादा को रोज प्रार्थना करके पढ़ते हैं, प्रार्थना करके बात करते हैं, दादा से परमिशन लेके सब करते हैं, तो अभी धीरे 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 सब समझ में आने लगा कि दादा ऐसा कहना चाहते थे, दादा ऐसा कहना चाहते थे, पर उस समय हमको नहीं समझ में आ रहा था। दादा ने बोला कि उसकी चिंता मत करो, जो नहीं समझ में आता है गाड़ी को आगे बढ़ाओ, जो समझ में आता है उतना पढ़ते जाओ, उसको टिक मार्क करके रखो कि ये मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं किसी आपका पुत्र से पूछ लूंगा। तो ऐसा करके 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 धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा समय वैसे हो गया है, लेकिन एक प्रश्न एक और ले सकते हैं। हाँ। किसी को है? नौनू आपको है प्रश्न? आपने हाथ उठाया है, बोलिए। स्वामी जी मेरे भाई का एक और प्रश्न है। हाँ। स्वामी जी, स्वामी जी मेरे भाई का प्रश्न है। हाँ, बता। स्वामी जी हमने ये जीवन क्यों लिया है? ओहो, बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने, तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया। ये प्रश्न तो हम जब आपके युवक में थे या दादा के पास सब लोग आते थे तो दादाजी सबसे पूछते थे कि आपने ये जीवन क्यों लिया है, तो कोई जवाब नहीं दे पाता था। सब दादाजी के पास जो भी आता था तो दादाजी उनके सामने पूछते थे कि आपके लाइफ का ध्येय क्या है, आपका लाइफ का एम क्या है, आपने जीवन क्यों लिया है। तो उस समय कोई भी आदमी जवाब नहीं दे पाता था। दादा ने फिर एक्सप्लेन किया कि हमारा जो ये जन्म है वो इसके लिए हुआ है कि हम ये दुनिया के जो संसार के जो भी व्यवहारिक चीजें में रहते हैं सबका संभाव से निकाल करके मोक्ष में जाए, ये हमारा मेन एम है। पर हम क्या करते हैं, संसार में आके उस ध्येय को भूल जाते हैं और दुनिया के सब दूसरी चीजों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा अपना खुद का ध्येय भूल के हम ऐसा ही समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वही हमारा एम है। तो हमारा एम क्या हो जाता है कि मुझे पढ़ना है, फिर पढ़ के बड़ा होना है, फिर बड़ा होके फिर मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, फिर उसके बाद मैं शादी करूंगा, फिर उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, फिर मैं उनकी शादी कराऊंगा। ऐसे वो संसार की बातों में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसका मेन एम जो मोक्ष में जाने का वो भूल जाता है। तो दादा ने क्या बोला कि दादा ने हमको ऐसा ज्ञान दे दिया कि आप संसार का भी ये जो जन्म मिला है उसमें जो भी आपके फर्ज है उसको अच्छी तरह से निभा के सब बातों को कहने के दादाजी के कहने के मुताबिक करके अपने नियम का पालन करके, पर हमेशा एक लक्ष्य रखने का कि मुझे मोक्ष में जाने का है, मुझे फाइनल सिमंदर स्वामी के पास जाने का है और मुझे फिर से बार बार इस धरती पे जन्म नहीं लेने का है, ये मेरा एम है। ये दादा ने बताया कि जब मनुष्य इस धरती पे आता है तो उसका मेन एम ये होना चाहिए कि ये मेरे मन वचन का ऐसे किसी जीव को दुख ना हो और मुझे ये मनुष्य अवतार मिला है, मैं सबको सुख दे के सबसे फाइल का संभाव निकाल करके मोक्ष में जाऊं, ये मेरा ध्येय होना चाहिए। सही है? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बच्चे सभी बड़े आप लोग ऐसे सत्संग में आते रहना। अभी एक प्रश्न मेरा है,
थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं मैं कि कल से शायद सब शुरू हो रहा है, तो ये 3 बजे के सत्संग को अगर हम 4:30 बजे ले जाए तो ठीक रहेगा आप लोगों को? 4:30 बजे ठीक रहेगा? नहीं स्वामी जी, 4:30 बजे। देखो मैं एक मिनट पहले बताता हूँ, वो सुनिए, सुनिए बोलना नहीं है, 1 मिनट सुनिए। हफ्ते में 7 बार होता है, तो हम सोच रहे थे कि 4:30 बजे से 5:30 बजे तक हफ्ते में 3 बार कीर्तन भक्ति करें और 3 दफा हिंदी का सत्संग करेंगे, तो ये ठीक रहेगा आप लोगों को? स्वामी जी बहुत सही रहेगा, सही रहेगा स्वामी जी, हम सो भी लेंगे। तो हम फिर तय करके बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कल का टाइमिंग यही है? हाँ, अभी तो कल का टाइम तो यही रहेगा। हाँ जी स्वामी, जय सच्चिदानंद, ये टाइमिंग सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, स्वामी जी जय सच्चिदानंद, त्रिमंडल तो बुलवाओ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, केशवानंद जी त्रिमंत्र बुलाइए। हाँ हाँ हाँ, नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, सर्वसाहूनम, मंगल भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद।